और आइए अब हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। आपको इटावा के एक अस्पताल की रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उसी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाते सुनवाते हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बुरे दौर में वो किन किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कोरोना की मार से कराह रहा है उत्तर प्रदेश। जगह बदलती है, हालात नहीं बदलते, चेहरे बदलते हैं, टीस नहीं बदलती, परेशानी नहीं बदलती, बेबसी नहीं बदलती, बदहवासी नहीं बदलती, कहीं दवाई नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं। कॉज ऑफ डेथ ऑक्सीजन की कमी नहीं है सर, वेंटिलेटर की कमी है। ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है, उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अब्दुल कादिर इटावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इस अस्पताल की तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं ना, ये चंद रोज पहले तक धूल फांक रहे थे। आज तक पर इस बदहाल अस्पताल की तस्वीरें दिखाई गई तो प्रशासन चौकन्ना हुआ। आनन फानन में सीएमओ बदल दिए गए, नए सीएमओ की नियुक्ति हुई, वेंटिलेटर्स पर पड़ी धूल को साफ किया गया और दिखाने की कोशिश हुई कि अब सब ठीक है। मगर क्या वाकई ठीक है सर? वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए, जो आमतौर पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। ये सब जो है टर्शरी लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस में है हमारे यहाँ, जिसके कारण अभी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब सफाई पूरी तरह से भर गया है, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। अब्दुल कादिर दुखी हैं इस बात से कि उनके पास जरूरी चीजें हैं ही नहीं। ऑक्सीजन वाले वेंटिलेटर बेड नहीं है, स्वीपर नहीं है, नर्स नहीं है और तो और डॉक्टर नहीं है। काश कि स्टाफ मिल जाए तो लोगों की जान बच जाए। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हमारे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को काम करने के लिए हाथ चाहिए। हमारे हाथ होते हैं स्टाफ नर्स, हमारे जो है वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, इन सब की हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव है। 3 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, मुझे हर फ्लोर पर कम से कम 2 स्टाफ नर्स, 2 वार्ड बॉय और 2 स्वीपर चाहिए। 1 डॉक्टर 1 फ्लोर पर पर्याप्त है। हमारे पास एक समय में ड्यूटी के लिए 2 डॉक्टर हैं, 2 फ्लोर संभाल सकते हैं। 1 डॉक्टर और सीएमओ साहब से बात हुई है, वो डॉक्टर मिल जाएंगे, डॉक्टर की कमी नहीं है सर, क्योंकि सारी ओपीडी वगैरह बंद है, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है। जो कमी है वो बस स्टाफ की है। इस जिला अस्पताल के हालात पहले से बेहतर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। लेकिन इन सब से इतर नए नवेले सीएमओ साहब कह रहे हैं कि सब चंगा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी हमारे पास 14 वेंटिलेटर हैं, 3 HFNC हैं, 2 बाईपैप, सारे फंक्शनल। जबकि जानकारी मिली है कि 1 वेंटिलेटर मात्र काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बाकी सभी खराब पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के यही हालात हैं। कहीं दवाई नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, मरीजों से ज्यादा अस्पताल बीमार हैं। कुमार अभिषेक, इटावा, आज तक।